आज मुझे इस डायनासोर अंडा को बचाना पड़ेगा, बट बचाना किससे पड़ेगा? इन केव मेनों से। ठीक है यार, मैं ये ग्रीन डायनासोर हूँ, जादुई डायनासोर हूँ, बट अकेले मैं मार नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरे को हेल्प करने के लिए यहाँ पे छोटा छोटा डायनासोर साथी भी है मेरे पास। जैसे कि देख पा रहे हो, मैं अभी समॉन करो एक छोटे से माइक्रो रैप्टर को, एंड इन डायनासोर को समॉन करने के लिए मुझे चाहिएगा एप्पल्स, जो कि यार सेकेंड टू सेकेंड मुझे मिलते रहते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं जल्दी से इस लेवल को खत्म करूंगा तभी मुझे मिलेगा 3 स्टार। ठीक है, चलो फटाक फटाक से इन केव मैन को हरा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे केव मैन हैं। ठीक है, एंड ये लोग मेरे यार अंडे को यार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। केव मैन बहुत बदमाश है। अभी मेरे पास ये छोटा सा ही डायनासोर है, जब मेरे पास खतरनाक वाले डायनासोर आ जाएंगे फिर मैं इन लोगों की खटिया खड़ी करने वाला हूँ। तो चलो गाइस फटाक से इन लोगों को मार लेता हूँ। ठीक है, a few inches later. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक एंक्योलोसोरस बंड पड़ा है। अगर मैं इसके केज को तोड़ दूंगा तो ये मेरा साथी बन जाएगा, एंड अगले बैटल में ये मेरे साथ लड़ेगा। एंड मुझे 3 स्टार मिल गया, इसका मतलब मुझे 3 चेस बॉक्स मिल गए, एंड चेस बॉक्स में मुझे कार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, एंड इन कार्ड्स के मदद से मैं अपने डायनासोर को अपग्रेड भी कर पाऊंगा। एनीवेज यू हैव अनलॉक एंकी, तो चलो गाइस एंकी का पावर यूज करते हैं, एंड गाइस यहाँ पे हम लोग डायनासोर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलो अंडे को प्रोटेक्ट करना। यहाँ पे केव मैन आ चुके हैं, एंड मुझे लग रहा है इस बार कोई खतरनाक केवमैन भी आएगा। ठीक है, ओके, मेरे पास इस बार गोले वाला पावर भी है। ठीक है, एक पत्थर फेंक सकता हूं। ओ, एक मिनट गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो यहां पे तो एक बहुत ये कौन सा यार एक केवमैन है यार, जो कि एक लंबा सा स्पीयर लेकर के आया है। बट डोंट वरी गाइस, मैं एंक्यूलोसोरस को फाइनली लेकर के आ चुका हूं। एंक्यूलोसोरस और एंक्यूलोसोरस उड़ा उड़ा के मारता है यार, मजा आ रहा है एंक्यूलोसोरस का मारने का टेक्निक देख करके। ओके, बट मेरा स्नैपी भी बहुत कमाल का है, ये छोटू सा है, इसका नाम स्नैपी है। ठीक है, ओके गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक खतरनाक केवमैन है, जो कि एक बहुत ही मजबूत शील्ड लेकर के आया। अगर इसके ऊपर पत्थर मारूंगा तभी भी इसको कुछ नहीं होता यार। ओके, तो फाइनली मुझे अब इन आर्चर्स को हराना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं इन आर्चर्स को हरा दूंगा अभी यार, यहाँ पर यार 3 ग्रीन कलर के मुझे यार न्यू डायनासोर्स मिले। शायद से ये लोग भी यार अगले राउंड में मुझे हेल्प करेंगे यार, एंड इस बार भी गाइस मुझे 3 स्टार ही मिला, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैं फटाक से डायनासोर को अपग्रेड कर लेता हूँ, एंड आप लोगों से मिलता हूँ। मैं ढेर सारे डायनासोर्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, Much later. मजा तो अब आएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डायनासोर है, मेरे पास ट्राइसर टॉप्स भी है, लेकिन यार ये लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा। ठीक है, एंड ये जो केवमैन है जिसके पास यार ये शील्ड है, इसको मारना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने गाइस बर्फीला हवा यूज करा। ठीक है, बर्फीले हवा की मदद से मैं इन लोगों को रोक सकता हूँ। एंड गाइस, अगर ये गेम आप लोगों को यार खेलना है तो मोबाइल है ना आप लोग के पास, आराम से खेल सकते हो क्योंकि ये मोबाइल गेम ही है। ठीक है, एंड चलो गाइस मार लेते हैं इनको फटाक से। एंड गाइस मुझे ट्राइसर टॉप्स को लेकर के आना पड़ेगा, पर ट्राइसर टॉप्स के लिए मुझे 26 एप्पल चाहिए। ठीक है, फटाक फटाक से इन लोग को मार लेता हूं, एप्पल्स कलेक्ट कर लेता हूं, एंड देन गाइस ट्राइसर टॉप्स को लाना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, जैसे कि देख पा रहे हो मैंने 2-2 ट्राइसर टॉप्स को लेकर के आ गया हूं, बट आई थिंक ये 2-2 ट्राइसर टॉप्स भी काम नहीं आएंगे क्योंकि ये देखो ओपोनेंट टीम में एक बहुत बड़ी राक्षसनी है यार, ये बिग मम्मी या कुछ तो है यार, बहुत बड़ी केवमैन है, एंड इनको यार मारने के लिए यार शायद से मुझे 3 ट्राइसर टॉप्स को लेकर के आना पड़ेगा। ये रैप्टर्स काफी बढ़िया डैमेज देते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो जंप करके डैमेज देते हैं यार, एंड बर्फीला हवा यूज करा, एंड ये लोग फ्रीज हो गए। अब अभी मौका है इन लोग को मारने के लिए। ठीक है, मैं तो फुल ऑन गाइस यहाँ पे गोलाबारी कर रहा हूँ यार, एकदम गोलाबारी कर रहा हूँ, एंड गाइस बिग मम्मी को हरा दिया, एंड इसी के साथ ये लेवल भी हो चुका है कंप्लीट। आगे वाला लेवल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, चलो फटाक से इसको भी तोड़ लेता हूँ। ओके, तो चलो अगले मिशन पे चलते हैं। One eternity later. ये वाला मिशन थोड़ा सा खतरनाक होगा क्योंकि यहाँ पर एक वुल्फ आने वाला है, एक बहुत बड़ा सा वुल्फ। यार मेरे डायनासोर को आने में बहुत ज्यादा वक्त लगते हैं यार, ये स्नैपी एंड ये एंक्योलोसोरस तो यार थोड़ा तेजी से आ जाते हैं, लेकिन रैप्टर ट्राइसेराटॉप्स और उस बड़े से ठूकने वाले डायनासोर को लाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, एंड अभी तो एनिमीज भी काफी खतरनाक निकल रहे हैं। ठीक है, एंक्योलोसोरस मार मार, मैं भी हेल्प कर रहा हूं, मार मार। चलो इस बड़े से गोले का यूज करा, इस बड़े से गोले से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है यार। ओके ओके, एप्पल्स कलेक्ट करना है, बस एप्पल्स कलेक्ट करना है, इसके बाद मैं डायरेक्ट रैप्टर को खोलने वाला हूं। ठीक है, ओके ओके, चलो चलो जल्दी से मारते हैं, जल्दी से मारते हैं, पता नहीं ये वुल्फ कैसा होगा क्या होगा। उरी, बहुत बढ़िया चीज मुझे मिल गया है गाइस, ये जो प्लस सिंबल आप लोग देख रहे हो ये है हीलिंग सिंबल। इससे गाइस अगर मेरा डायनासोर मरने के तादाद में आ जाता है, एंड देन गाइस अगर मैं ये ग्रीन वाला सिंबल पे प्रेस करता हूं, फिर गाइस मेरे डायनासोर जो मरने वाला था वो यार हील हो जाता है। नहीं, एक मिनट गाइस, ये तो कोई वुल्फ है नहीं, ये तो कोई वुल्फ है नहीं, ये तो एक केवमैन है यार, दिस इज ए केवमैन। एंड ये भी बोल रहे, देख दैट्स नॉट अ वुल्फ, ओके, एंड ये बॉम्ब फेंक रहा है यार,
और ये बॉम्ब फेंकने वाला एक बहुत बड़ा एक केवमैन है। चलो यार, मैंने यार एकदम सही वक्त में ही ट्राइसरटॉप्स को निकाल लिया हूँ। चलो जल्दी से मार, जल्दी से मार। एंड ट्राइसरटॉप्स यार डैमेज ज़्यादा नहीं देता है, बट ट्राइसरटॉप्स का यार हेल्थ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ट्राइसरटॉप्स बहुत देर तक एनिमीज को संभाल के रख सकता है, ठीक है। एंड जब ट्राइसरटॉप्स यार एनिमीज के अटैक को सह रहा होता है, फिर गाइस मैं रैप्टर्स को निकाल देता हूँ, जैसे कि देख पा रहे हो। एंड देन रैप्टर्स अपना कमाल का जबरे से अटैक से इन लोग को आराम से मार के देते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक गाइस मैं आराम से जीत जाऊंगा, क्योंकि मैंने उस बड़े से वुल्फ केव मैन को भी हरा दिया है। एंड ये वाला लेवल तो मैंने आराम से 3 स्टार में ही कंप्लीट कर दिया, बहुत मजा आ गया। एंड नाउ मैं जाने वाला हूँ रेक्स को, टी रेक्स को ओपन करने के लिए। गाइज, इन बदमाश केव मैनों ने एक टीरेक्स को कैप्चर करके रखा है, मुझे अब उस टीरेक्स को जैसे तैसे करके कब्जे से निकालना पड़ेगा। बट मेरे पास यार इतने एप्पल्स हैं नहीं कि मैं रैप्टर एंड ट्राइसरटॉप्स को भी निकाल पाऊँ, इसलिए गाइज मैं छोटे डायनासोर्स को ही निकाल करके एंड अपना पावर यूज़ करके, जैसे बर्फीला हमला हो गया वो सब यूज़ करके ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी मुश्किल है यार, काफ़ी मुश्किल है यार। स्नैपी मार 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 मार, पता नहीं यार कब आ जाए वो बड़े बड़े केव मैन। गाइज मैं ना अभी एक काम करूँगा, मेरे पास वो एक्सप्लोजन वाला गोला है, जैसे ही वो आएगा मैं फेंक दूंगा, इन ये लोग मर जाएंगे। चलो फेंकते हैं। उस धमाके में बहुत सारे केवमैन मर गए, लेकिन उसके बाद यार क्या आ गया आप लोग देख पा रहे हो यार, ये बिग मोमा केवमैन फिर से आ चुके हैं। मेरे पास अभी एप्पल्स है ही नहीं यार, मैं छोटे मोटे सिर्फ डायनासोर्स को ही निकाल पा रहा हूँ। ओके, मैंने एक ट्राइसरटॉप्स को निकाल दिया, ये ट्राइसरटॉप्स कुछ देर तक तो जेल लेगा, ठीक है, कुछ देर तक तो जेल लेगा बिग मोमा का अटैक। मैं बिग मोमा को यार फ्रीज भी कर रहा हूँ, बिग मोमा को फ्रीज करके ही रखना पड़ेगा। ये आर्चर्स काफ़ी बढ़िया डैमेज दे रहे हैं यार, ये जो आर्चर्स देख रहे हो ये खतरनाक वाले आर्चर्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल आर्चर्स है नहीं जो पीछे की तरफ है। इन लोग को मारना पड़ेगा मुझे ना, पहले इन लोगों को मारना पड़ेगा। बिग मोमा को ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है यार, ऑलमोस्ट, बट इन आर्चर्स को मारना पड़ेगा। ये ले आर्चर्स, ये ले, और यार मुझे भी भागना पड़ेगा शायद से, क्योंकि ये आर्चर्स मेरे को भी काफी खतरनाक डैमेज दे रहे हैं। और यार ये आर्चर्स कितना खतरनाक डैमेज दे रहे हैं यार, मुझे ना एक रोबोट डायनासोर को अनलॉक करना ही पड़ेगा। एंड अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि बोल भाई इस गेम में क्या रोबोट डायनासोर भी है? हाँ यार, इस गेम में सब कुछ है यार, बहुत ही कमाल का गेम है, इसलिए तो बोल रहा हूँ यार, जाओ प्ले स्टोर में इस गेम को डाउनलोड करो, फ्री है यार, फ्री फ्री फ्री। एनीवेज चलो यार, अभी मिशन टीरेक्स पे फोकस करते, टीरेक्स को अनलॉक करना पड़ेगा, जल्दी से इन आर्चर्स को मार लेते, यही आर्चर्स काफी खतरनाक है। ओके, उस वाले को तो मार दिया, अब ये थोड़े हल्के फुल्के हैं, ठीक है, ये यार मेन आर्चर्स से कम पावरफुल है, तो इसको तो आराम से उड़ा ही देंगे। ओके चलो, इस बैरिकेड को तोड़ते हैं। गाइस मुझे दिखाई दे रहे गाइस, वो रहा गाइस टीरेक्स, थोड़ा सा झलक मेरे को दिखा टीरेक्स का। ओके ओके मारते, अरे यार ये क्या आ गया अभी यार, ये यार वुल्फ केवमैन फिर से आ गया, जो कि बड़े बड़े बॉम्ब फेंकता है यार। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास अभी एप्पल थोड़े से फास्टर तरीके से जनरेट हो रहे हैं, ये लास्ट का टाइम है ना, इसलिए अभी मैं ढेर सारे बॉम्ब को तो निकाल सकता ही हूँ, अब मैं ढेर सारे डायनासोर्स को भी निकाल पाऊंगा। मुझे लग रहा है मुझे यार ट्राइसरटॉप्स को निकालना पड़ेगा। यस यस यस, मारो 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 मारो, यस कम ऑन, हम लोग जीत जाएंगे यार, हम लोग आराम से जीतेंगे डेफिनेटली। मुझे यार टीरेक्स के केव को तोड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। अरे यार ओके, बर्फ के गोले फेंक दिया, अरे इस गदाधारी को मारना पड़ेगा, ये गदाधारी काफ़ी पावरफुल है यार, मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो मतलब जेल है जहाँ पे टीरेक्स को रखा गया है, ये जेल भी बहुत मजबूत लकड़ी से बनाया गया है, क्योंकि टीरेक्स को रखने के लिए बनाया है ना, तो यार इसको तोड़ पाना भी मेरे लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ, इस केव मैन को ना ये टीरेक्स ही मार देगा। कैसे मारेगा? अगर टीरेक्स के इस केव को हम लोग तोड़ डालेंगे ना, मतलब मेरे डायनासोर्स मिलकर के इस टीरेक्स के केव को तोड़ डालेंगे ना, फिर टीरेक्स यार निकल जाएगा एंड देन गाइस इस बड़े से वुल्फ मैन को भी हरा देगा, ठीक है। एंड टीरेक्स के केव को हम लोग तोड़ रहे हैं, यस 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 यस, ये ऑलमोस्ट टूटने वाला है, बहुत बढ़िया। रैप्टर्स मारो 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 मारो, एंड टीरेक्स निकल चुका है। एंड टीरेक्स तो एक ही बार में बहुत सारों को मार सकता है, एंड हम लोग अभी केवमैन को भी मार देंगे। यस खत्म यार, फाइनली हमने टीरेक्स को अनलॉक कर लिया, मजा आने वाला है यार। नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोगों को देखना है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना कि बोल भाई डायनो बेस का आप पार्ट 2 लेकर के आओ, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एंड मैंने जैसे कि बोला था कि ये एक ही बार में बहुत सारों को मार सकता है, अभी भी बहुत बहुत स्टेजेस बाकी हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय, टेक केयर, सायो नारा। We'll be right back.